नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से जलगांव तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों की डिटेल्स के बारे में। डिटेल में हम बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में। वो जो ट्रेन है नई दिल्ली के कौन से स्टेशन से कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म से चलती है और जलगांव में कौन से प्लेटफॉर्म पर कितने बजे पहुँचती है, और वो जो ट्रेन है दिल्ली से जलगांव की दूरी कितनी देर में कवर करती है और उसके कितने स्टेशन आते हैं, और कौन कौन से दिन जो है वो दिल्ली से जलगांव के लिए वो ट्रेन चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और कितना डिस्टेंस कवर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नई दिल्ली से जलगांव के बीच में डायरेक्टली वैसे 8 ट्रेनें चलती हैं। नज़दीकी जो जलगांव का एक बड़ा स्टेशन है भूसावल जंक्शन भी है, वैसे 8 ट्रेनें इस रूट पर चलती हैं। सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो है हज़रत निज़ामुद्दीन मुंबई CSMT राजधानी एक्सप्रेस, जो कि 12 घंटे 53 मिनट में दिल्ली से मुंबई की दूरी जो है कवर कर लेती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं नई दिल्ली से जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र तक चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी के बारे में। नई दिल्ली से जलगांव के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन चलती है वो है पंजाब मेल ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12138। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से रोजाना सुबह 5:15 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 18:46 बाद रात के 12:01 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र में पहुंचती है। इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं, 1125 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा एक कोच पेंट्री कार का भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है नई दिल्ली से जलगांव के बीच में, ये डेली ट्रेन है। इसके बाद नई दिल्ली से जलगांव के बीच में जो डेली ट्रेन है वो है झेलम एक्सप्रेस। झेलम एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 11078। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोजाना सुबह 11:30 पे 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:40 बाद जलगांव जंक्शन में सुबह 7:10 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं और 1125 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 57 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और कोचेस के बारे में बात करें तो ICF कोचेस वाली ट्रेन है। सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो 3 जनरल डिब्बे हैं, 1 जनरल डिब्बा इंजन की तरफ लगाया गया है और 2 जनरल डिब्बे ट्रेन के पीछे की तरफ, जिसमें से 2 सेकंड AC के कोच हैं, फिर 6 कोच थर्ड AC के हैं, स्लीपर क्लास के 10 कोच हैं और 1 पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन जो कि नई दिल्ली को जलगांव से कनेक्ट करती है वो है सचखंड एक्सप्रेस। सचखंड एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 12716। यह जो ट्रेन है नई दिल्ली से रोजाना दोपहर के 1:00 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16:08 बाद ये ट्रेन जो है जलगांव जंक्शन में सुबह 5:08 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं, 1125 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 70 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और अगर कोचेस के बारे में बात करें, LHB कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद एक प्रमुख ट्रेन जो कि इस रूट पर चलती है, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन को जलगांव से कनेक्ट करती है, वो है गोवा एक्सप्रेस। गोवा एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 12780। ये जो ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन से रोजाना दोपहर के 3:15 पे 3 या 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। 18:08 बाद ये ट्रेन जो है जलगांव में सुबह 9:23 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 11 स्टेशन हैं, 1118 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 62 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। गोवा एक्सप्रेस में ये जो ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन से रोजाना चलती है जलगांव के लिए, और ये जो ट्रेन है अगर इसके कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें 1 फर्स्ट AC का कोच है, 2 सेकंड AC के कोच हैं, 4 कोच थर्ड AC के हैं, AC इकॉनमी के 4 कोच हैं और पेंट्री कार का 1 कोच है और स्लीपर क्लास के 2 कोच हैं, बाकी 2 कोच इसमें जनरल डिब्बों के हैं। इसके बाद जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि है हज़रत निज़ामुद्दीन मुंबई CSMT राजधानी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है
22222 यानी कि 5 बार 2222 है, 22222 है। हज़रत निज़ामुद्दीन से रोज़ाना ये ट्रेन जो है शाम के 4:55 पर चलती है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 12:53 बाद ये ट्रेन जो है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 5:48 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं। 1118 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 87 किलोमीटर पर आवर। राजधानी टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और कोचेस के बारे में बात करें LHB कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC का कोच है और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये दोस्तों जो भी ट्रेन चलती है 8 की 8 ट्रेनों में से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो कि दिल्ली को जलगांव से कनेक्ट करती है। दिल्ली को जलगांव से कनेक्ट करने वाली जो अगली ट्रेन है वो भी एक प्रमुख ट्रेन है इस रूट पर, जो कि है कर्नाटका एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 12628। नई दिल्ली से रोजाना रात के 8:20 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17:18 बाद यह ट्रेन जो है जलगांव जंक्शन में दोपहर के 1:38 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं और 1125 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 65 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। नई दिल्ली से रोजाना चलती है कर्नाटका एक्सप्रेस जलगांव के लिए, वैसे बेंगलुरु के लिए चलती है बट इस वीडियो में हम नई दिल्ली से जलगांव के बारे में बात कर रहे हैं। कोचेस के बारे में बात करें LHB कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है इसमें। इसके बाद नई दिल्ली से जलगांव जंक्शन तक चलने वाली जो अगली ट्रेन है वो है अमृतसर मुंबई CSMT एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है सभी ट्रेनों में से, जो कि दिल्ली से जलगांव की दूरी जो है 20:28 में कवर करती है। नई दिल्ली से रोजाना ये रात के 8:40 पे 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20:28 बाद जलगांव जंक्शन में शाम के 5:08 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 44 स्टेशन हैं और 1125 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ये ICF कोचेज वाली ट्रेन है, सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है इस रूट पर। इसके बाद नई दिल्ली से जलगांव जंक्शन तक चलने वाली जो आखिरी ट्रेन है इस रूट पर है वो है मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 12754। ये जो ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन से रोजाना रात के 10:40 पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16:08 बाद ये ट्रेन जो है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र में दोपहर के 2:48 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन हैं, 1118 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 70 किलोमीटर पर आवर है। संपर्क क्रांति टाइप की ट्रेन है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ नई दिल्ली से जलगांव तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा जो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।